DHI डायरेक्ट हेयर इम्प्लांटेशन, बहुत हल्ला है पूरे मार्केट में इसका। लोगों को लगता है कोई एक नई टेक्निक आई है जिससे कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, डेंसिटी बहुत अच्छी दी जा सकती है, और भी फलाना ढिमकाना बहुत सारी बातें हैं DHI के बारे में। तो DHI एक्चुअल में है क्या, डायरेक्ट हेयर इम्प्लांटेशन क्या सचमुच में ये कोई एक बहुत बेहतरीन टेक्निक मार्केट में आई हुई है, या ये एक सोची समझी प्योर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, इसके ऊपर आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं। वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपको DHI के बारे में आपकी जो सोच है वो हो सकता है पूरी तरीके से बदल के रख दे। एक कहावत है कि नॉलेज को सिर्फ सुनिए मत, जब आपको वो नॉलेज जो है सोचने पे मजबूर कर दे, या आपको लगे कि भाई हाँ बात बंदा सही बोल रहा है, वो एक्चुअल में सही इन्फॉर्मेशन होती है। एनालाइज कर सके आप अपने माइंड को, अपने माइंड से जब आप चीज़ों को सोच सके, वो सही इन्फॉर्मेशन होती है, और उसी चीज़ को करने की कोशिश करेंगे आज के वीडियो में। इसलिए आज के वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, थैंक यू वेरी मच। चलिए, अगर सरल शब्दों में बोला जाए तो DHI जो है वो FUE का जो है वो एक एडवांस वर्जन है। जी हाँ, FUE का एडवांस वर्जन है, FUT का नहीं। ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि आप में से कुछ लोगों को ये लगता है कि FUT और FUE जो एक्सट्रैक्शन मेथड है, इन दोनों में जो है DHI करा जा सकता है, ठीक है ना। FUT में ये करना मे बी पॉसिबल हो, लेकिन बहुत कठिन है FUT में करना। FUE का ही ये एडवांस वर्जन है DHI। वो क्यों है वो इस वीडियो में आगे आपको समझ में आ जाएगा खुद से। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि DHI एक्चुअल में है क्या। डायरेक्ट, जो इसमें एक वर्ड आता है ना, डायरेक्ट हेयर इम्प्लांटेशन, डायरेक्ट मतलब पहले कुछ ऐसा होता था कि जो डायरेक्ट नहीं था और अब डायरेक्ट होने लगा है, ठीक है ना। क्या है नॉर्मल FUE की प्रोसीजर को हम जरा समझते हैं सरल शब्दों में। नॉर्मल जो FUE का प्रोसीजर होता है कि आपके बाल यहां से निकाल रहे हैं, और एक्सट्रैक्शन मेथड जो रहता है यहां से निकाल के, ठीक है ना, उन ग्राफ्ट्स को इस तरीके से एक सॉल्यूशन में रखा जाता है, और उसके बाद उन ग्राफ्ट्स को लगाने के लिए छेद बनाए जाते हैं आपके रेसिपिएंट एरिया में, और छेद बनाने के बाद जो है उन ग्राफ्ट्स को एक चिमटे की मदद से डाल दिया जाता है। ये ओवरऑल प्रोसीजर है FUE का, फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन, और काफी सक्सेसफुल प्रोसीजर है जिससे मैंने कराया है और बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। अब DHI क्या है, DHI क्या करता है? DHI को समझने से पहले आप ये समझिएगा, एक शिमिक इंजरी या शिमिक इफेक्ट होता है, उस चीज को समझिए। मेडिकल फील्ड में एक वर्ड है शिमिक इंजरी या शिमिक इफेक्ट। इसमें क्या होता है, कोई भी बॉडी का पार्ट आपके बॉडी से अगर अलग है, मीन्स उंगली कट गई, हाथ कट गया, या कुछ भी, उसको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर जो है अगर आप जोड़ देते हैं या बॉडी में वापस फिट कर देते हैं, तो बॉडी इसको एक्सेप्ट कर लेता है और वो बच जाता है। ये पूरे इसी कॉन्सेप्ट पे जो है हेयर ट्रांसप्लांटेशन बेस्ड है। मींस एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आपके बॉडी से वो ग्राफ्ट निकाल के एक सॉल्यूशन में रखा जाता है, और उसको उस पर्टिकुलर टाइम में आपके स्कैल्प में लगा दिया जाता है, और वो सर्वाइव कर जाता है, और नेचुरल बालों की तरह आपके बाल ये बढ़ते हैं, और ये लंबे समय तक, साल 10 साल 20 साल तक भी चलते हैं अच्छे खासे, कई लोग तो लाइफ लॉन्ग भी चलते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है शिमिक इफेक्ट का। अब ये माना जाता है कि बॉडी से बाहर, सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट की अगर बात करें, जितने लंबे समय के लिए वो ग्राफ्ट बाहर रहेंगे, उसकी उसका जो रिजल्ट है या उसका जो सर्वाइवल रेट है वो उतना कम होता जाएगा। मींस बॉडी के बाहर जितना कम से कम समय के लिए आपके जो एक्सट्रैक्टेड ग्राफ्ट्स हैं वो रहे वो अच्छा है। और यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है डायरेक्ट हेयर इम्प्लांटेशन। जी हाँ, डायरेक्ट हेयर इम्प्लांटेशन में होता क्या है कि उनका कहना है, डॉक्टर्स का जो ये अच्छे से कर पाते हैं, उनका कहना ये है कि हम जो है तुरंत यहां से ग्राफ्ट निकाल के यहां लगा देंगे। मींस कम से कम टाइम के लिए जो है ग्राफ्ट आपके बॉडी के बाहर रहेगा। इससे होगा क्या, इससे ये होगा, डॉक्टर्स का कहना है कि इवन शेडिंग फेज तक आपका नहीं आएगा। 99% लोगों के तो शेडिंग फेज तक नहीं आएंगे। शेडिंग फेज आप लोगों को पता होगा कि 10-15 दिन हेयर ट्रांसप्लांटेशन के 10-15 दिन बाद से आपके बाल झड़ना शुरू हो जाता है। 3 महीने तक बाल झड़ते हैं, उसके बाद तीसरे चौथे महीने के आसपास न्यू हेयर ग्रोथ होता है, क्योंकि उनको ट्रॉमा मिलता है, जगह से निकाल के लगाया तो ट्रॉमा मिलता है बालों को, तो वो झड़ जाते हैं। चलिए, लेकिन इनका कहना है, डायरेक्ट हेयर इम्प्लांटेशन वाले जो डॉक्टर्स होते हैं उनका कहना है ये है कि हम जो तुरंत निकाल के यहां से लगा देंगे, इसके कारण शेडिंग फेज भी नहीं आता है और ग्राफ्ट का सर्वाइवल रेट बहुत बढ़ जाता है। और लॉजिकली देखा जाए तो ये मेडिकल अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बिल्कुल सही भी है, सही बात है। अगर अच्छे से उसको निकाल के तुरंत लगा दिया जाए, बॉडी से कम टाइम के लिए अगर ग्राफ्ट बाहर है, तो उसका सर्वाइवल रेट डेफिनेटली बढ़ेगा, ठीक है ना। ये बात बिल्कुल सही लगती है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट यही है DHI का, और इसी बेस पे आपसे ढेर सारा पैसा लिया जाता है, दुगना तिगना पैसा लिया जाता है नॉर्मल हेयर ट्रांसप्लांटेशन कंपैरिजन में कई सारे क्लिनिक। अब जैसे कि नॉर्मल FUE में आपके यहाँ पे छेद बनाए जाते हैं, तो DHI में छेद बनाने की जरूरत नहीं, वो एक इम्प्लांटर पेन का यूज करते हैं, उसको शायद चोई बोलते हैं अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, आई थिंक सो। उसमें जो है ग्राफ्ट डले रहते हैं, टेक्नीशियंस उसमें ग्राफ्ट भरते जाते हैं, और वो चोई से पट पट ऐसा लगाते जाएंगे, फिर दूसरा उठाया पट लगाया, फिर तीसरा उठाया लगाया, इस तरीके से जो है आपके ग्राफ्ट्स
स्कैल्प में लगाए जाते हैं, इंजेक्ट करे जाते हैं। और कहा यह भी जाता है क्योंकि चोई की मदद से कर रहे हैं, उसका पेन जो है नीडल पतला रहता है, इसके कारण जो है डेंसिटी बहुत सुंदर दी जा सकती है, ठीक है ना, ये भी कहा जाता है। तो इसको भी यू नो मार्केटिंग के नाम पे बेचते हैं डॉक्टर्स। तो ये प्लस पॉइंट्स हैं। साउंड बहुत अच्छा कर रहा है, ऊपर ऊपर क्रीम है, बहुत बढ़िया साउंड कर रहा है, और इसके नाम पे कई सारे लोग बहुत सारा पैसा देते हैं। ये तो रहे एडवांटेजेस जो कि जेन्युइनली अच्छे साउंड कर रहे हैं और लगता है कि बहुत बढ़िया है, पर सच्चाई क्या है, क्या इसके कोई साइड इफेक्ट्स हैं, यू नो कॉन्स है, डिसएडवांटेज है, उसके बारे में बात करेंगे। अभी भी लाइक नहीं किया तो भाई लाइक जरूर कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना हमारे यू नो चैनल को। अब डिसएडवांटेज अगर हम बात करें तो जरा प्रैक्टिकली सोचिएगा। डॉक्टर का कहना है कि हम निकाल के तुरंत इसको लगा देंगे, तो भाई पेशेंट को किस पोजीशन में बिठाओगे तुम, ठीक है ना, मींस आप क्या करने वाले हो। नॉर्मल एफयू में क्या होता है कि ग्राफ्ट एक बार में एक्सट्रैक्ट करते हैं और एक बार में इम्प्लांट करते हैं, तो वो सहूलियत है। सबसे पहले मैं बता देना चाहूंगा, हेयर ट्रांसप्लांटेशन एक कंप्लीटली बोरिंग प्रोसीजर है, ठीक है ना, आपको घंटों लेटे रहना पड़ता है और ये बहुत ही इरिटेटिंग है, मतलब बोरिंग प्रोसीजर है। मूवीज चलती रहती है, गाना चलता रहता है, लेकिन फिर भी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद तो यू नो बहुत बोरिंग प्रोसीजर है। डॉक्टर्स के लिए बहुत बोरिंग है क्योंकि वही वही करते रहना है, लेकिन आपका जो इच्छाएं हैं सुंदर देखने का वो आपको मोटिवेट करता रहता है, आप लेटे रहते हैं। अब इतनी सहूलियत वाला टेक्निक है एफयूई जो यू नो कि आपको एक बार में यू नो ग्राफ्ट्स निकाल दिए और एक बार फिर इम्प्लांट कर दिए, तो आप इसमें कंफर्टेबल हो जाते हो। लेकिन एक डीएचआई में जो है पोजीशन किस तरीके से बिठाओगे, एक बार निकाला उनको यू नो निकाला, फिर पेशेंट को अपने हिसाब से बिठाओगे, फिर उसको इम्प्लांट करोगे, फिर निकाला, यू नो आप क्लाइंट को रखोगे किस तरीके से, इसमें जो है पेशेंट पे यू नो थोड़ा सा स्ट्रेस पड़ता है, ठीक है ना, और पोजीशनिंग समझ में नहीं आता और ये इरिटेटिंग भी साउंड कर रहा है। दूसरी चीज, लोगों का कहना है कि इसमें डेंसिटी बहुत ज्यादा दी जा सकती है, लेकिन मैं आप लोगों का प्रैक्टिकली बताऊं ये चीज कि आप जरा खुद सोचिएगा कि आप हेयर ट्रांसप्लांटेशन में जब आपको यहाँ पे इम्प्लांट किया जाता है, नॉर्मल एफयूई में क्या होता है कि यहाँ पे जो है आपके स्लिट बनाए जाते हैं, पहले से उसको छेद बनाया जाता है। मैं आपको बता देना चाहूंगा कि किस तरीके से छेद बनाए जाते हैं। पहले लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है, फिर उसके बाद एनएस का सॉल्यूशन देके चमड़ी को थोड़ा ऊपर किया जाता है, चमड़ी आपकी जो है बैलून टाइप की हो जाती है, फिर उसमें स्लिट बनाए जाते हैं, ठीक है ना, और ग्राफ्ट डालते समय बहुत ईजी हो जाता है, उसमें अच्छे से ग्राफ्ट चले जाते हैं। अब जस्ट इमेजिन कि आपने स्लिट्स नहीं बनाए हैं, ठीक है, आपने लोकल एनेस्थीसिया दिया और एनएस डाल के चमड़ी को ऊपर किया, वो बैलून टाइप का बन गया। अब इसमें डेंसिटी किस तरीके से दोगे, अब आपको चमड़ी को में छेद करना है, जोर देके प्रेशर देके छेद करना है इम्प्लांटर की मदद से, तो आप हाई डेंसिटी कैसे दोगे, क्योंकि मान चलो यहाँ पे इतने में मेरे 2000 ग्राफ्ट लगे हैं, वहां पे डेंसिटी देने जाओगे तो आसपास के ग्राफ्ट जो है वो पॉपअप करेंगे। पॉपअप मतलब होता है कि वो जैसे ही प्रेशर पड़ेगा, बैलून क्या होता है, यहां से तुम दबाओगे तो आजू बाजू का हिस्सा दबा देता है, तो अंदर ग्राफ्ट पट्टे से बाहर निकल आएंगे। तो यू नो हाई डेंसिटी देना ये इट्स नॉट एन ईजी जॉब, ठीक है ना, और जो कि स्लिट में बहुत इजीली हो जाता है, मींस आप अलग अलग यू नो साइज के स्लिट बनाइए इजीली, उसमें फिर आराम से छेद बने ही हुए हैं, आप वो इंक टाइप का लगा देंगे, छेद दिख जाता है, चिमटे से उस ग्राफ्ट को डाल दीजिए, बहुत अच्छी डेंसिटी दी जा सकती है स्लिट्स में। डीएचआई का सबसे जो यू नो बड़ा जो डिसएडवांटेज मैं आपको बता देना चाहूंगा, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा कि नॉर्मल एफयूवी प्रोसीजर में होता क्या है, ये जो 5-6 घंटे के लिए आपके बॉडी से ग्राफ्ट जो है बाहर निकला हुआ रहता है, इस टाइम पे होता क्या है एक्चुअल में, इस टाइम के आपकी ग्राफ्ट की काउंटिंग होती है कि कितने ग्राफ्ट आपके यू नो स्कैल्प में से निकले हुए हैं, कौन सा ग्राफ्ट में कितने फॉलिकल्स हैं, सिंगल फॉलिकल, डबल फॉलिकल, ट्रिपल फॉलिकल, 4 फॉलिकल वाले, 5 फॉलिकल वाले, कितने फॉलिकल हैं, ठीक है ना, ये काउंट होते हैं, ठीक है, और उसका क्लीनिंग होता है, उसको अच्छी तरीके से साफ किया जाता है बढ़िया तरीके से, ठीक है ना, ये 5-6 घंटे में ये सारी चीजें होती हैं, इसीलिए तो ये टाइम लगता है, ठीक है। लेकिन डीएचआई में जो दावा किया जाता है कि तुरंत ग्राफ निकाल के लगा देंगे, उसकी साफ सफाई कब करोगे यार, साफ सफाई नहीं कर पाओगे, तो साफ सफाई किस तरीके से करोगे, ठीक है, काउंट कैसे करोगे कि भाई कितने ग्राफ्ट हैं। अगर तुम तुरंत निकाल के लगाते जा रहे हो तो वो जो आप जो हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए बैठे हो आपको मतलब एक रफ आइडिया भी नहीं आ पाएगा कि भाई कितने ग्राफ्ट लगा दिया, क्योंकि काउंटिंग हुई नहीं आपके। तीसरी चीज यू नो ग्राफ्ट का डिस्ट्रीब्यूशन, सिंगल फॉलिकल वाले कौन से हैं, ये सारी चीज अगर आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे, जैसा कि मेरे में देखिए यू नो सिंगल फॉलिकल वाले हैं, डबल फॉलिकल वाले, ट्रिपल फॉलिकल और कुछ थोड़े बहुत 4 फॉलिकल वाले भी थे, ठीक है ना, ये सारे कब हुए, जब ये प्रॉपर काउंटिंग हुई और इनको यू नो सेग्रीगेट किया गया, अलग अलग सेपरेट किया गया, ठीक है ना। अब इन सब के लिए आप टाइम ना देके तुरंत निकाल के लगा दोगे तो कहीं ना कहीं इसकी ऑथेंटिसिटी में सवाल उठ जाता है इस प्रोसीजर के। दूसरी चीज, ये जो टेक्निक है जो कि एक्चुअल में साउंड क्या किस लिए करता है, इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो बोला जाता है कि बॉडी के बाहर ग्राफ कम से कम समय के लिए रहेंगे, ठीक है ना, ये सचमुच में ये प्लस पॉइंट है। लेकिन आप ये बताइए, जब आप ग्राफ्ट्स को निकाल के तुरंत लगाते जाएंगे, ठीक है ना, कुछ लोग बोलते हैं भाई हम 15-20 मिनट 25 मिनट का मैक्सिमम चांस लेंगे, लेकिन इतने मिनट के अंदर आप क्या पूरे ग्राफ्ट्स काउंट कर पाएंगे, ठीक है ना, पूरा साफ सफाई हो पाएगा, इसके लिए बहुत बड़ा टीम चाहिए, बहुत बड़ा टीम और प्रोफेशनल टीम चाहिए, बहुत बड़ा प्रोफेशनल टीम चाहिए जो एक्सपीरियंस्ड हो। अब जरा खुद इमेजिन कीजिए, कोई डॉक्टर इतना बड़ा टेक्नीशियंस का प्रोफेशनल टीम लीड कर रहा है, तो उनको टीम को जो
है यू नो सैलरी भी बहुत ज्यादा दी जा रही होगी, और वो सैलरी वसूली जाएगी आपके फीस से। आप जितना पैसा मतलब आपका जो यू नो हेयर ट्रांसप्लांट कराने जाओगे उससे उसके पैसे में जुड़ जाएगा। मीन्स बहुत ही ज्यादा महंगा है अगर प्रॉपरली डीएचआई को कोई इंप्लीमेंट करना चाहे तो, बहुत ही ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा ये चीज, ठीक है ना। डीएचआई के नाम पे कई सारे क्लिनिक जो है वो सिर्फ इम्प्लांटर यूज करके बता देते हैं कि हम डीएचआई यूज कर रहे हैं, हमारा डीएचआई टेक्निक है। कुछ क्लिनिक जो है स्लिट्स बना के रख लेते हैं और उसमें इम्प्लांटर से ग्राफ्ट को डालते हैं, ठीक है ना, और बता देते हैं कि भाई हम जो है यू नो डीएचआई टेक्निक यूज करते हैं। इम्प्लांटर्स एक्चुअल में कॉस्टली आते हैं, ठीक है ना, तो वो कॉस्ट एड होता है, लेकिन वो यू नो डीएचआई का जितना चार्ज लेंगे उसके कंपेरिजन में इम्प्लांटर की कॉस्ट बहुत कम होती है। मेरा कहने का आशा यह है कि एक्चुअल में जो डीएचआई मांगता है, डीएचआई क्या बोल रहा है कि बॉडी के बाहर कम से कम समय के लिए ग्राफ्ट रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ आपको ये सारी चीज भी, अच्छे साफ सफाई हो जाए, काउंटिंग हो जाए, ग्राफ्ट का अरेंजमेंट अच्छा हो जाए, ठीक है ना, काउंटिंग बढ़िया हो जाए, कितने फॉलिकल वाले बाल है ये सारी चीज पता चल जाए, इसके लिए बहुत बड़ी टीम चाहिए, ठीक है ना। ये सारे क्लिनिक अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और 90% से भी ज्यादा क्लिनिक जो है इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में जो है वो डीएचआई के नाम से मार्केटिंग के लिए डीएचआई का यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, और आपसे पैसा लिए जा रहे हैं। आप जरा खुद सोचिए कि ग्राफ्ट निकाल के लगाया जा रहा है, ग्राफ्ट तो ऐसे नहीं निकालते कि सिंगल वाला निकाल लिया डबल वाला निकाले, नहीं, ग्राफ्ट रैंडमली निकाले जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि भाई सिंगल वाला ग्राफ्ट है कि डबल वाला ग्राफ्ट है। यू नो अरेंजमेंट कैसे किए जाएंगे, जैसे कि मेरे जो है मेरा यू नो डोनर एरिया कमजोर था, ठीक है ना, ज्यादा डेंसिटी नहीं थी डोनर एरिया में और हेड साइज बहुत बड़ा था, तो ग्राफ्ट का अरेंजमेंट किया गया, यू नो सिंगल फॉलिकल वाले, डबल फॉलिकल वाले, थर्ड तीन फॉलिकल वाले ग्राफ्ट थे, यू नो प्लानिंग की गई कि भाई सामने से डबल या सिंगल लगाएंगे, ठीक है, बीच में कहीं पे था ट्रिपल वाले लगाएंगे, चार वाले क्राउन में लगा देंगे तो जल्दी डेंसिटी आ जाएगी। एक प्लानिंग थी कि कम वालों में भी एरिया को कवरेज किस तरीके से किया जाए। आप अगर ये पूरी प्लानिंग नहीं करके डायरेक्ट इम्प्लांट कर देते हो तो ये चीज तो सही है सर्वाइवल, बट वो हेयर ट्रांसप्लांटेशन कितना अच्छा होगा आपका, ना कहने को तो डीएचआई हो जाएगा पर ये क्या अच्छा होगा आपका उतना नहीं, ठीक है। तो लगता कैसे है ग्राफ्ट को, वो इम्प्लांटर में जो है टेक्नीशियंस लगे रहते हैं, वो भरते रहते हैं यू नो ग्राफ्ट को, एक एक इम्प्लांटर उठाया, डॉक्टर टच टच ऐसा मारता जाता है, एक उठाया मारता जाता है इस तरीके से करता जाता है। तो यू नो आप बिना प्लानिंग के सिर्फ स्लिट्स यू नो फाइनल टच दे, स्लिट टेक्निक में क्या होता है कई सारे स्लिट्स बनाए जाते हैं लेकिन कुछ स्लिट जो है गलत भी लगे तो उसमें ग्राफ्ट नहीं डालते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें नहीं है, इसमें तो एक ही बार में जो है आपको वो हेयरलाइन को डिजाइन करना है, एक ही बार में सब कुछ करना है, तो ये चीज उसको भी टफ बना देता है। ओवरऑल अगर एक बिगर पिक्चर में आप लोगों के सामने पेश करूं तो डीएचआई कुछ खास एक्स्ट्रा ऐड नहीं करता है ट्रांसप्लांटेशन में, ठीक है। कई सारे बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं डॉक्टर्स कि हम एक स्पेशल सॉल्यूशंस में रखते हैं, इसमें रखते हैं उसमें रखते हैं, सारे मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हैं, ठीक है ना, लेकिन जो डीएचआई जो डीएचआई का कॉन्सेप्ट है, जो एक्चुअल जो कहा जाता है कि हम कम से कम टाइम के लिए बाहर रखेंगे बॉडी से और उसको फिर तुरंत इम्प्लांट कर देंगे और प्रॉपर प्रोसीजर्स यू नो जो काउंटिंग क्लीनिंग और ग्राफ्ट का अरेंजमेंट पोजिशन यू नो ये सारी चीजों को मेंटेन करते हुए, उसके लिए बहुत बड़ी टीम चाहिए और उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा आएगा और वो करने वाले बहुत रेयरली कुछ ही क्लिनिक होंगे। मैं ये बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि डीएचआई के नाम पे कई सारे लोग मार्केटिंग करके आपसे बहुत ज्यादा पैसा ले लेंगे। तो डीएचआई का यू नो आप अगर डीएचआई कराने का सोच रहे हो तो मेक श्योर आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्लिनिक में जाएं और जांच पड़ताल करके अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराएं, ठीक है। और अगर आपको थोड़ा भी डाउट है तो डोंट गो फॉर डीएचआई, क्योंकि डीएचआई के नाम पे लोग आपको बेवकूफ बनाएंगे। जबकि एफयूई का जो स्लिट मेथड होता है उसमें आप लोग देखेंगे बढ़िया तरीके से एंगल दिया जा सकता है, अच्छी खासी डेंसिटी दी जा सकती है और बहुत बढ़िया रिजल्ट, जैसा कि आप लोग मेरा देख सकते हैं, शानदार रिजल्ट यू नो आ सकता है। डीएचआई और एफयूई के रिजल्ट में, नॉर्मल एफयूई के रिजल्ट में मुझे कुछ खास फर्क अभी तक ऐसा नहीं दिखा है। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। हेयर ट्रांसप्लांटेशन से रिलेटेड कुछ और जानकारी चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल आप कर सकते हो, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना हमारे इस चैनल को। ये जो दो वीडियोस दिख रहे हैं इनको भी देख लीजिएगा, बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल जरूर रखिएगा, और क्या सोचते हो इस वीडियो के बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।